बहुत कश्मीर भी अब अपने सभी मंच पर स्वागत करते हैं। श्री पायलट जी का स्वागत करते हैं। श्रीमत विजयलक्ष्मी साधो जी, अशोक सिंह जी, रामचंद्र बाबू जी, लागन सिंह जी, बहन एना कमरे जी, श्री घनश्याम भार्गव रंगनाथ तिवारी, जसवंत सेक्रेटरी हरी सिंह सरपंच, कल्याण सिंह कंसाना, बद्री नगरिया, साहब सिंह गुर्जर, कीरेन पचोरा, बचन सिंह सरदार, गंधर्व सिंह सरपंच, भगवत शरण गुर्जर, अशोक पारासर, अशोक नगरिया, गुलाब सिंह रावत, श्रीमती पुष्पा सराफ जी, साधु सिंह गुर्जर, करतार सिंह गुर्जर, विजय शर्मा डबरा, प्रताप सिंह। क्योंकि समय की बाध्यता है, सचिन पायलट जी को बिहार चुनाव में पहुंचना है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सबसे पहले माननीय सचिन पायलट जी को सुनेंगे। एक बार वो डबरा में पधारे हैं, जोर की तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा रानी सचिन पायलट साहब से कि वो आगे अपना उत्तर प्रदेश की पावन धरती से हमारे बीच पहुंचे हुए सदै आचार्य प्रमोद जी, पूर्व सांसद राम सेवक जी, पूर्व मंत्री यादव साहब, हमारी पूर्व मंत्री महोदया साधो जी, विजयलक्ष्मी साधो जी, मंच पर सभी नेतागण, साथियों को किस सूर्यास्त होने जा रहा है। मुझे यहाँ से ग्वालियर, ग्वालियर से पटना जाना है, लेकिन मैं सच में आज यहाँ पर आकर इस डबरा की ऐतिहासिक धरती पर जो जोश, जो उत्साह मुझे देखने को मिला, मेरा दिल भर आया है। और मैं जानता हूँ जब जब इस जिले में ग्वालियर चंबल में मुझे आने का मौका मिला, मेरी पार्टी के लिए प्रचार करने का मौका मिला, हर बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। यहाँ के लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, आत्मीयता मेरे लिए बेहद कीमती है, बहुत कीमती है। आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, 28 जगह उपचुनाव हो रहा है, हम सब जानते हैं चुनाव क्यों हो रहे हैं। उम्मीदवार आपके सामने है, नेता आपके सामने है, पार्टी आपके सामने है, विचारधारा आपके सामने है। 15 साल का लंबा समय शिवराज सिंह चौहान जी को दिया जनता ने, मुख्यमंत्री बने, कई बार बने और जनादेश का हमने सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी ने जनादेश का सम्मान किया और भाजपा का नेतृत्व करते हुए चौहान साहब मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में लगातार घोटाले हुए, गबन हुआ, बजरी माफिया, जमीन माफिया, व्यापम का घोटाला हुआ, कितने लोगों की हत्या हुई। भारत के इतिहास में इतनी सारी हत्या किसी घोटाले में नहीं हुई, कोई जवाबदेही उनकी नहीं है। किसानों पर गोलियां चलाई, मंदसौर के अंदर किसानों को, नियत किसानों को, गरीब किसानों को भून डाला, अन्नदाता की पूजा कहते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अन्नदाता की पूजा मैं करता हूं। किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था भाजपा ने, कौन सा वो किसान है? मैं डबरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं, किस किसान की आमदनी दुगनी हो गई, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए? नारे देना, पाखंड करना, नाटक करना, झूठ बोलना, लड़वाना, झगड़वाना, द्वेष पैदा करना, टकराव पैदा करना, ये भाजपा ने किया है। और जब 2.25 साल पहले कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई तो तिगड़म कर पिछले दरवाजे से दोबारा चौहान साहब मुख्यमंत्री बन गए, हमारी छाती में बैठ गए। और आज जो चुनाव हो रहा है, मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि हमारे उम्मीदवार को, जिनको सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आपके बीच में आपका विश्वास पाने के लिए भेजा है,
उनको पूरा समर्थन करें, आशीर्वाद दें। और साथियों, ये भाजपा के साथी बात करते हैं अगड़े की, पिछड़े की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, जातियों की, गोत्रों की, इन सब बातों को भूल जाओ। सभी नौजवान और 36 कौम के लोग मिलकर हमारे साथी को विधानसभा में भेजना है, भोपाल जी धर्मले बनाकर यह आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ। पिछले दो दिनों से जहां जहां हम लोग गए, भारी उत्साह लोगों के अंदर है। आज लोग जवाब मांगते हैं, जिन लोगों पर विश्वास किया, सरकार बनाकर दी, उन लोगों ने गरीबों के लिए क्या किया? खाद की, बिजली की, बीज की, पानी की कोई चिंता नहीं है, उनको तो शासन करने की चिंता है। और आज चुनाव से पहले नाना प्रकार के वादे हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, पत्थर लगा रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, उससे पहले कहां थे? आज जनता जब जवाब मांग रही है, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश तक लगाकर देख रहा है कि इन उपचुनावों में परिणाम क्या होगा। ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है, ये चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है, ये चुनाव धर्म और धर्म का चुनाव है, ये चुनाव अपने पराये का चुनाव है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो जनता सभा में आ रही है, जो उत्साह लोगों के अंदर है, जिस मेहनत से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस मुशक्कत से नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सारी की सारी सीटें जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में दोबारा तिरंगा का कांग्रेस तिरंगा फैलने का रहा। अशोक सिंह हमारे बीच में खड़े हैं, बहुत से साथी नेता हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन ये सब वो लोग हैं जिनको बहुत सालों से मैंने देखा। जब जब मध्य प्रदेश आने का मौका मिला, आप लोगों ने बहुत सम्मान, बहुत इज्जत मुझे दी है। आज मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे अपील करने आया हूँ, मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है, इस देश की राजनीति का भविष्य आपके हाथों में है, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ के संविधान की भावना जीवित रखनी है, तो आप लोगों को कांग्रेस के निशान पर, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर सुरेश राजे जी को जिताकर MLA बनाना। और मैं जानता हूँ इस क्षेत्र में रहने वाले अनेकों लोगों ने हमेशा से मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं पड़ोस के राजस्थान से आता हूँ, वहां पर चुनाव लड़ता हूँ, आप लोगों का वोट राजस्थान में नहीं है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद यहाँ से मुझे मिलता है, तो दुगनी ताकत से वहां पर मैं संघर्ष करता हूँ। और मैंने भी जीवन में अपनी बात रखने में कोई संकोच नहीं किया। बहुत से लोग मुझे कभी कभी टोकते हैं, फला बात नहीं बोलनी चाहिए, फला बात धीमी बोलनी चाहिए, फला बात कैसे बोलनी चाहिए। मैंने कहा भाई, मेरे दादा फौज हवलदार थे, पिताजी वायुसेना में हवाई जहाज चलाते थे, राजनीति में आ गए। राजनीति में इसलिए आ गए क्योंकि गरीब घर भर से निकला हुआ व्यक्ति जनसेवा की भावना रखता है तो ईमानदारी से काम कर सकता है, और ईमानदारी से काम करेगा राजनीति के शिखर पर पहुंच कर भी अपने दामन को साफ रखना उन लोगों को आता है जिनके मन में आत्मीयता और इंसानियत और इंसाफ है। मैं अपनी बात रखता हूँ, किसान की, नौजवान की, डंके की चोट पे रखता हूँ, रखता रहूंगा। अब ये भी विधायक बनकर जाएंगे, आपकी बात रखेंगे, भोपाल में मजबूती से रखेंगे। मैं आप सब साथियों से निवेदन है, मेरे जाने के बाद यहाँ पर सभा चलेगी, हमारे बाकी साथी भी आपको उद्बोधित करेंगे। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि अब तेरा मेरा भूल जाओ, पूरा देश देख रहा है। हो सकता है परिवार में, कुटुंब में, संगठन में, पार्टी में बहुत से लोग टिकट मांगते हो, किसी की इससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, और राजनीति तो ऐसा खेल है, कोई किसी का नारा खींचता है, कोई किसी की धोती खींचता है, वो सब चलता है, छोटी मोटी टोका टाकी चलती रहती है। लेकिन अब जब निर्णय हो गया, 3 तारीख को मतदान होगा, ये हाथ का निशान है पंजे का, और बटन दबाकर जिताना है साथियों। मैं तो जब मतगणना होगी और जब मतदान 3 तारीख को होगा, मैं जयपुर में होऊंगा, लेकिन यहाँ दबरा में हाथ का बटन इतनी जोर से दबाना, वो टी की आवाज मुझे जयपुर सुनाई पड़ जाएगी। वोट कर मेरे साथ जोरदार नारा दो, मेरे साथ जोरदार नारा देना। और ये देखो, मेरे ख्याल सुरेश जी बहुत दिनों बाद मुस्कुरा रहे हैं, आज दांत और मसूड़े सब दिख रहे हैं, इनको लग रहा है कि नैया पार लग गई है। लेकिन मैं तो बोलना चाहता हूँ, जीतने के बाद इस जनता को, गरीब को भगवान और गणेश मानकर पूजना पड़ेगा, किसानों को, 36 कौम के लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा। और आप भी अगर कहीं छोटी मोटी भूल हो जाए, ये आचार्य जी आ गए, आशीर्वाद दे दिया। साथियों, मेरे साथ जोरदार नारा दो, कांग्रेस पार्टी। अरे आवाज नहीं आई,
कांग्रेस पार्टी। अभी मजा नहीं आया, ये बात भोपाल तक जानी है साथियों, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर। आप आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपसे संबोधित करेंगे, आप लोगों